गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम एनसीईआरटी का, और इसमें क्या करना है ये देख लेते हैं। आपको फिर से इस शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो यू कैन इजीली सी यहाँ पे ये बन रहा है एक ट्रायंगल। यहाँ पे इस वाली फिगर को आप गौर से देखें तो ये वाला पार्ट बन रहा है आपका एक सेक्टर, और ये जो यू कैन सी जो आपके ट्रायंगल के बाहर वाला है जो रेडिश पोर्शन है जिसको हमने ए क्यू और सी से डिनोट करा है, ये बन रहा है एक सेमी सर्कल, है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक आपको ये सेक्टर पूरा दिख रहा है अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, और ये एक पूरा का पूरा सेमी सर्कल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पार्ट में इसको कुछ नेमिंग दे देता हूँ। दिस इज़ वन, ये जो ए पी सी वाला है इसको मैं टू बोल देता हूँ, और जिसको शेडेड पोर्शन है उसको मैं नेम थ्री दे देता हूँ। सो बेसिकली अगर मुझे यहाँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन चाहिए, है ना, और जो मेरा शेडेड पोर्शन यहाँ पे कौन है, मेरा शेडेड पोर्शन जो है वो है यहाँ पे पार्ट नंबर थ्री। तो वो कैसे आएगा, सारा का सारा फाइट है अब उसका। तो यू कैन सी अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करूँ, है ना, अगर मैं यहाँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालूँ, तो आपको पता है सेमी सर्कल जो ए सी क्यू ए से बन रहा है, ए सी क्यू ए से जो सेमी सर्कल मेरा बन रहा है, इसमें मेरे दो पार्ट्स आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं पार्ट नंबर टू और पार्ट नंबर थ्री। इन दोनों से मिलके बन रहा है मेरा, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे पार्ट में माइनस कर दूं, अगर मैं इस पूरे पार्ट में आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सेक्टर को ही मैं माइनस कर दूं, जो कि है ए बी सी पी ए, इसका है ए बी सी पी ए, है ना, ये पूरा आपको दिख रहा है ए बी सी पी ए, है ना। तो इसमें से जो पार्ट मुझे माइनस करना होगा वो होगा पार्ट नंबर वन प्लस पार्ट नंबर टू, है ना, ये पूरा माइनस करना होगा। अब इसको थोड़ा सा और क्लोजली देख लेते हैं। अब लेट से अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, अगर मैं इस एरिया में से इसको माइनस करूं, तो आपका सेकंड पार्ट से सेकंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका पार्ट नंबर थ्री माइनस पार्ट नंबर वन बचेगा। क्लियर है। लेकिन सर द बिग प्रॉब्लम इज, हमें तो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वो तो सिर्फ पार्ट नंबर थ्री है, और जब आप इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये जो पार्ट नंबर वन है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस हो गया, है ना। आप देख रहे हो ना यार, ये ट्रायंगल का एरिया जो था वो एक्स्ट्रा माइनस हो गया। तो सर एक्चुअल में इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए इस माइनस वन का एक्स्ट्रा, मतलब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हट जाएगा, अगर उसको इसी एक्स्ट्रा पार्ट को अगर मुझे नहीं हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पार्ट वन को ऐड भी कर देता हूँ, ताकि पार्ट वन से पार्ट वन कट जाए और आपका जो पार्ट थ्री है सिर्फ वो बचे। और पार्ट वन ऐड करने का यहाँ पे क्या मीनिंग है बेटा, कि मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है मैंने उसको यहाँ प्लस कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे दे रहा था पार्ट वन। सो अब आप जब इनको माइनस करेंगे और इस ट्रायंगल के एरिया से प्लस कर देंगे, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो इतना छोटा थ्योरी तो समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में आगे, देखते हैं क्या होता है। सो अभी हमने ऊपर देखा कि हमें तीन एरिया निकालने हैं। लेट से ये भी बी सी भी 14 हो जाएगा, तो यहाँ से जो तीन एरिया हमारे निकलेंगे, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहाँ आएगा वो आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 14, हाइट 14, तो दिस इज़ 1/2 इंटू 14 इंटू 14, दिस इज 7, और 7 इंटू 14 इज़ द थिंग बट 98। तो ये एरिया था आपके पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला चीज। दूसरा एरिया जो देखना है हमें, वो देखना है एरिया ऑफ सेक्टर का भी एरिया हमें निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा है ए बी सी पी ए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, वो भी आप लोगों को पता है,
इट इज़ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा आपको पता है क्योंकि ये एक 90 डिग्री वाला ही एंगल यहाँ पे बना रहा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर्ड है कि ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन में गिवन है ये एक क्वाड्रेंट है, तो ये 90 डिग्री है। तो दिस इज़ 90 अपॉन 360 इनटू पाई और आर स्क्वायर। आपको पता है ये पूरा का पूरा 14 है, यही इसका रेडियस बन जाएगा, है ना। अगर आप देखो ना यार, ऐसे देखो, ये सेक्टर है ना आपका, तो अगर ये 14 है तो ये भी 14 होता है ना, तो रेडियस आपका 14 आ गया, यानी 14 इंटू 14, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 90 अपॉन 360 इज़ 4, 7 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 11, और 11 और 14 कितना होता है आपका 154, तो इसका एरिया आता 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल की। ये जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा आना चाहिए, जो कि है ए सी क्यू ए, ए सी क्यू ए, दिस इज़ हाफ ऑफ, क्योंकि सेमी वर्ड यूज़ हुआ है, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो ए सी है ये इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है, तो जब हम यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, तो ये ए सी आ जाएगा आपका 14√2। जब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, जब आपने यहाँ पाइथागोरस लगाया, लेट से ट्राइंगल ए, टेक्निकल फ्लॉज की वजह से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बीच में थोड़ा रुक गया था। तो लास्ट में हम क्या देख रहे थे कि जब हमने ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, तो आपका जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है उसको ए सी स्क्वायर के इक्वल होना था। 14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर यहाँ लिखा जाता है इज इक्वल्स टू ए सी, इसको आप अंडर रूट के अंदर डाल सकते हैं जब ये स्क्वायर था। आपको मैंने कई बार बताया, अगर एक जैसे नंबर जैसे 14 और 14 यहाँ हैं, तो वो 14 आपका बाहर आ सकता है और यहाँ अंडर रूट फंस जाता है ना। तो जो एसी का वैल्यू आता वो बेसिकली आता 14√2। तो जब एसी 14√2 आपका आ जाता, तो जो हमारा रेडियस होता बेटा इस पर्टिकुलर सेमी सर्कल का, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, इसका भी हाफ और इसका हाफ क्या होता है 7√2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकलता वो क्या निक सॉरी एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो हमारा निकलता यहाँ पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो भी हमारा निकलता वो क्या होता है 1/2, क्योंकि सेमी है, और पाई, ये कि है पाई, और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 × 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर इस कैलकुलेशन को अगर देखें आप, तो दिस इज़ 1/2 × 22/7, 7 का स्क्वायर इज़ 49 और अंडर रूट 2 का इज़ 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा इस पर्टिकुलर चीज़ का। सो नाउ फाइनली वी हैव द एरियाज ऑफ ऑल द वैल्यूज़, हमारे पास जितनी वैल्यूज थी सबका एरिया आ चुका है, तो 154 एरिया आया है इसका। जब आपने इनिशियली देखा था इस वीडियो में, ट्राइंगल का एरिया आया था हमारा 98 सबसे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर जब हमने सॉल्व किया था तो वो आया था 154, और ये माइनस का साइन है, 154 से 154 कैंसिल, और आपके पास जो यहाँ पे एरिया आया है वो आया है 98। ठीक है, और यूनिट्स को भी अगर मैं इन्वॉल्व कर लूँ तो वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। So hopefully this question is clear to you now. Thank you.